आगामी 24 जनवरी को हरियाणा रोडवेज की होने वाली हड़ताल को लेकर रोडवेज वर्कर्स की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा राज्य सांझा मोर्चा के आह्वान पर की जाने वाली हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। रोडवेज कर्मचारी संघ के संदीप दलाल की माने तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक 11 जनवरी 10 मार्च 23 जून व 13 दिसंबर 2023 को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में हुई थी। इन बैठकों में कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक मानी गई मांगों को लागू नहीं किया, जिसके विरोध में कर्मचारियों के रोष को देखते हुए हरियाणा रोडवेज सांझा मोर्चा ने 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय करनाल में हजारों की संख्या में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा घेराव किया गया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, संदीप दलाल, गुड़गांव डिपो प्रधान, राज्य उप प्रधान टेक यूनियन से। क्या कहेंगे, अभी जीएम से मीटिंग हुई है, 24 तारीख को एक प्रदर्शन की बात कही जा रही है, क्या मांगे थी आपकी, किसको लेकर बैठक ये की आपने? देखिए, आज हमारी जो इंटेक यूनियन पदाधिकारी गुड़गांव डिपो कमेटी है उनकी मीटिंग थी, और ये महाप्रबंधक महोदय से हम बाद में मिले, पहले हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें 24 जनवरी को हड़ताल की कॉल दी गई है राज्य सांझा मोर्चा की तरफ से, तो उसकी तरफ से हमने मीटिंग की थी कि जो हमने तैयारियां करनी है 24 की हड़ताल को लेकर, उन्हीं तैयारियों को लेकर हमारी जो पदाधिकारी हैं इंटर यूनियन की, उनकी आज मीटिंग हुई थी। उसके बाद हम महाप्रबंधक महोदय गुरुग्राम से मिले, और जो डिपो सत्र की कुछ समस्याएं थी उनको लेकर हमने मांग पत्र दिया, और महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से गुड़गांव, क्योंकि वर्कशॉप हमारी है यहाँ पे, ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना शौचालय की सुविधा है, और ये मूलभूत जरूरत होती है किसी भी इंसान की, और यहाँ पे तो इतने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, लगभग 800 की संख्या में कर्मचारी यहाँ पे, तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारा लगभग एक साल से जो रात्रि भत्ता है कर्मचारियों का वो पेंडिंग है, और 2020 से 2023 तक LTC कर्मचारियों को दी जाती है, वो लगभग 80% कर्मचारी को LTC अभी तक नहीं आई है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर और मांग पत्र के साथ आज इंटर यूनियन प्रतिनिधि मंडल महाप्रबंधक महोदय से मिला था। 24 तारीख को जो हड़ताल है उसकी मुख्यतः मांगे क्या है? देखिए, ये जो हड़ताल की कॉल दी गई है राज्य सांझा मोर्चा की तरफ से, ये लगातार आप अगर पिछली जो हमारी मीटिंगें देखोगे तो जैसे परिवहन मंत्री जी के साथ में, PST के साथ में लगातार कई मीटिंगें हुई है, और उन मीटिंगों में सहमति बन गई थी। 23 जून की मीटिंग का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो 23 जून 2023 को हमारी परिवहन मंत्री जी और PST जो परिवहन विभाग से है उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर अंदर इन मांगों को हम लागू कर देंगे, और जो मांगे जिन पर सहमति बनी, 6 मांगे मानी गई थी, जिन पर सहमति बनी गई थी उनकी तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया था कि सरकार को हम लिखित में देंगे, लेकिन ना तो वे 6 जो मांगे थी हमारी वे लागू की गई, और ना लिखित में सरकार को कोई विभाग की तरफ से ये भेजा गया कि कर्मचारी को मांगों को लागू किया जाए या उन पर ध्यान दिया जाए, जिसके विरोध में हमने पिछले दिनों PST का पुतला भी फूंका था। उसके बाद लगातार गेट मीटिंग हुई थी हरियाणा के सभी डिपो में, और यह निर्णय लिया गया कि भाई हम परिवहन मंत्री जी का घेराव करेंगे। उसके बाद हमारा घेराव हुआ था फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि भाई हम जल्द से जल्द मीटिंग बुलाए थे। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि भाई हम आपकी जो मांगे और समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। कर्मचारियों में इसके प्रति रोष उत्पन्न हुआ, और हमने ये फैसला किया कि भैया परिवहन मंत्री नहीं, हम सीधा मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। 24 दिसंबर 2023 को हमने मुख्यमंत्री का घेराव किया कैंप कार्यालय करनाल के अंदर, वहाँ पे जोन के OSD थे, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि भाई 10 जनवरी 2024 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सांझा मोर्चा की मीटिंग होगी, और आपकी जो भी मांगे व समस्या है उनका समाधान होगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी ना तो सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी हुआ, ना कोई मीटिंग हुई, जिसके विरोध में अब कर्मचारियों ने फैसला किया है, और राज्य जो सांझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज का, उसके आह्वान पर हम 24 जनवरी को एक दिन की हड़ताल करेंगे, अगर समाधान हुआ तो ठीक है, वरना भविष्य में बड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है।